अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा आप लोग? उम्मीद है कि आपका खुश होंगे, तबीयत ठीक होगी आप लोगों की। आज हम आपको एक्सरसाइज 4.10 या 4.10 का मैट्रिक की मैथ है कराची बोर्ड की, इसमें हम आपको स्टडी करवा रहे हैं। इसमें जो फार्मूले यूज़ होंगे 4.10 के अंदर, वो मैं आपको पहले लिखा देता हूँ। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो लिखे जाएंगे, वो कौन से हैं? एक तो हमारे पास ये यूज़ होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा ये यूज़ होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखें, याद करने का तरीका है, जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस होता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। बाकी सेम वर्डिंग वही है, क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा एक फार्मूला थ्री नंबर्स का होता है यूज़, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। ये फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। ए क्यूब लीक बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, इसका फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये तीन फार्मूले हैं। इसके अलावा एक फार्मूला जो मैं आपको पहले करा भी चुका हूँ, वो कुछ हमारे पास ऐसे ही था, ये पहले हम कर चुके हैं वैसे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला, ये हमने किया था। तो ये हो गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये फार्मूला भी हमारा इन क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने ये भी आपको साथ ही लिख दिया, क्योंकि ये पहले हम एक्सरसाइज में यूज़ कर चुके हैं। तो ये कुछ फार्मूले थे इम्पॉर्टेंट, जो आपको इन एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने में आसानी होगी। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। तो ये हमारे पास है, वो कह रहा है सिंप्लीफाई। तो डेफिनेटली सिंप्लीफाई बाय यूजिंग फार्मूला ही होगा y प्लस वन अपॉन y और y स्क्वायर माइनस वन प्लस y स्क्वायर, इसका आंसर मांग रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब इस तरह का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप सबसे पहले इनको a और इसको b कंसीडर करके फार्मूले में पुट कर दें। यूजिंग फार्मूला पहले लिखेंगे, कौन सा फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, वाई, और बी की जगह पर वन अपॉन वाई। तो इधर लिखें वाई क्यूब वन अपॉन वाई क्यूब वाई प्लस वन अपॉन वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन वाई होल स्क्वायर। इधर ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट बहुत सारी यूज़ हो गई। तो ये बन जाएगा वाई क्यूब प्लस वन अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन वाई, और ये वाई स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल होकर माइनस वन वन अपॉन वाई स्क्वायर।
अब ये देखिए ये वाई स्क्वायर पूरा वाई प्लस वन अपन वाई वाई स्क्वायर माइनस वन, तो ये भी वाई प्लस वन वाई स्क्वायर में सेम वही है। अब हमारा क्वेश्चन यही है, हमने फार्मूले में पुट किया तो किस चीज़ का आंसर निकला इस चीज़ का, तो सो लिखेंगे वाई क्यूब प्लस वन अपन वाई क्यूब इज आंसर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा और आपने इसके ऊपर कंसिडर कर लिया होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल, आपने इस चीज़ को लेना, पहले इसको ए इसको बी लेना, इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूले में पुट करेंगे, या प्लस का फार्मूला है तो प्लस का यूज़ होगा, या माइनस होता तो माइनस यूज़ करते। आप फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज़ करें, उसमें देखें अगर ये आंसर में ये चीज़ सेम आ गई तो जो ये होगा दैट मीन्स योर आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।